सो आई डियर लर्नर, तो आज हम बात करते हैं आईआईटी में जिन बच्चों को एडमिशन मिल चुका है उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। देखिए अगर आपको ठीक है, लास्ट जो काउंसलिंग है आईआईटी जेएम की, जो लास्ट काउंसलिंग है वो 5th ऑफ जुलाई को कंप्लीट हुई थी, यानी कि 5th ऑफ जुलाई को जो आईआईटी जेएम की काउंसलिंग नंबर थर्ड थी, फोर्थ थी सॉरी, वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हर साल आईआईटी जेएम में कभी कभी 4 राउंड की काउंसलिंग होती है या कभी कभी 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, ये डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी बची है। ठीक है, तो इस साल 4 राउंड की काउंसलिंग हुई थी और जो उसका रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो 5th ऑफ जुलाई को हो चुका है। अब इसके बाद स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी, बट उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे प्रोसीज होगा, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अभी बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है। देखिए अब आपके पास सबसे पहले आएगा ऑफर लेटर। अब आपको जो भी आईआईटी मिल चुकी है ऑफर लेटर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑफर लेटर में सारी चीजें मेंशन होंगी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाएगा कि आपको उस आईआईटी में एडमिशन मिल चुका है। उसमें सब कुछ लिखा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए, जब फिजिकली आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्टिंग किस डेट पे करनी है वो भी आपके ऑफर लेटर में मेंशन होगा। दूसरी चीज, कौन कौन से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको रिक्वायर है उस पर्टिकुलर आईडी में जाने के लिए, वो सारी चीजें मेंशन होंगी उसमें, ठीक है। कौन कौन से और सर्टिफिकेट इसके अलावा बनाने हैं, सारी चीजें उस ऑफर लेटर में मेंशन होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उसमें आपको पर्टिकुलर आईआईटी की वेबसाइट में जाके ईआरपी, जो यानी कि स्टूडेंट प्रोफाइल जो है वो बनानी पड़ेगी। देखा होगा कि आईआईटी में जब आप जाते हो तो आपकी एक प्रॉपर स्टूडेंट प्रोफाइल होती है जिसके अंदर आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी पूरी स्टडी का रिकॉर्ड वहां पे होता है। वो कब काम आएगा, जब आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो प्लेसमेंट के टाइम पे वो जो आपने ईआरपी या स्टूडेंट प्रोफाइल बनाई है वो सबमिट करेंगे आप, उसी के थ्रू आप क्या करेंगे, प्लेसमेंट की जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्लेसमेंट जब भी सेल आएगा तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफर लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है ना। ऑफर लेटर में हर चीज़ मेंशन होती है, इस बात को ध्यान रखिए। ऑफर लेटर में आपको सब कुछ गिवन होगा जो भी आपको करना है, तो उन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आपको फी कंप्लीट किस डेट तक पे करनी है, किस डेट तक लास्ट आप उस आईआईटी में जाके अपना क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से चीज़ें आपको अदर इसके अलावा रिक्वायर्ड है ना, और टोटल जो फी है, मेस चार्ज वगैरह वगैरह, सारी जो फी है वो वहाँ पे मेंशन होगी आपके साथ, है ना, या उस पर्टिकुलर आईडी की वेबसाइट में जाके आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब आपके पास जो चांस है ऑफर लेटर का है, उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ आईआईटीज में सीट्स बच जाती है तो वहां पे होगी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग, जहां पे ठीक है उस पर्टिकुलर आईआईटी की वेबसाइट पे जितनी सीटें वैकेंट है उनके लिए अलग से काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है। ये जो ऑफर लेटर है या तो आपको मेल के थ्रू आएगा, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपको मेल के थ्रू ऑफर लेटर आएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो जेम के जो लॉगिन यानी कि स्टूडेंट पोर्टल है वहां पे आपको अपना ऑफर लेटर मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वैसे विद इन जो लास्ट काउंसलिंग होती है जिस डेट की, उसके कुछ दिन बाद जो है हमारा ऑफर लेटर आ जाता है। बहुत सारी आईआईटीज का आ भी गया होगा, जिसका नहीं आया तो वेट कर सकता है और चेक कर सकता है, ठीक है।